गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट्स, बेटा आज से हम सोशल स्टडीज़ करेंगे, ठीक है, सोशल साइंस पढ़ेंगे। देखिए आप विषय सूची जो क्या है, इंडेक्स है, इसमें क्या है आपके चैप्टर्स है, चैप्टर्स के नेम है, ठीक है। अध्याय वन में देखिए भारत, आकार और स्थिति, भारत का जो आकार है और स्थिति है वो इसमें पढ़ेंगे हम। अध्याय टू भारत का भौतिक स्वरूप, अध्याय थ्री अफवाह, अध्याय फोर जलवायु, अध्याय फाइव प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, अध्याय सिक्स जनसंख्या, ठीक है। ये आपका क्या है, इंडेक्स है, इसमें आपके सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। देखिए अध्याय वन हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट अध्याय वन का। देखिए भारत, आकार और स्थिति, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भारत का आकार, आकार पढ़ेंगे कि किस आकार का है और उसकी स्थिति क्या है, ठीक है, इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। अब भारत देश क्या, हमारा विश्व में से क्या है, एक प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। पिछले 5 वर्षों से क्या क्या है, भारत की जो आर्थिक और जो सामाजिक जो उन्नति है वो क्या है, काफ़ी अच्छी हो गई है। कृषि उद्योग तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। और जो कृषि है, खेती, जो उद्योग है, तकनीकी, ये सब आर्थिक जो उनका विकास क्या है, अद्भुत जो की प्रगति पर हुआ है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जो भारत का जो विश्व में जो योगदान देता है वो क्या रहता है, महत्वपूर्ण है इतिहास में, ठीक है। अब देखिए इसकी स्थिति क्या है। भारत एक विशाल देश है, जो हमारा देश है भारत वो क्या है, बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 1.1 में देखिए, ये चित्र 1.1 में देखिए, भारत और विश्व, मतलब ये जो इसका जो उत्तरी है वो क्या है, गोलार्ध है, गोल शेप में है, ठीक है। और इसका मुख्य भाग 8°4′ उत्तर से 37°6′ उत्तर अधांश तथा 68°7′ पूर्व से 97°25′ पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। इसका जो मुख्य भाग ये बता रखा है हमें, जो कर्क रेखा है वो क्या है, 23°30′ से उत्तर में देश को लगभग 2 प्रकार भागों में बांटती है। और जो इसकी कर्क रेखा है वो हमारे जो देश को है वो कितने, 2 भाग में, बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब जो इसके मुख्य भूभाग जो दक्षिण पूर्व में क्या है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और बंगाल की खाड़ी है, और तथा दक्षिण पश्चिम में क्या है, लक्षद्वीप समूह है और अरब सागर स्थित है, ठीक है। इसके मतलब दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण पश्चिम में क्या है, अरब सागर और लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों का विस्तार ज्ञात करो, और जो एटलस है इनकी सहायता उससे क्या करो, इसका विस्तार ज्ञात करो, ठीक है। अब देखिए इसका आकार, अब क्या पढ़ेंगे, हम आकार के बारे में पढ़ेंगे। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का भूभाग है वो उसका कुल क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितने लाख में दे रखा है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अब जो भारत का जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, 2.4% है। चित्र 1.2 से स्पष्ट हो चुका है, जो चित्र 1.2 दे रखा है आपको, ये नीचे इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है उसे कि भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। जो हमारा भारत है वो क्या है, विश्व में सातवें नंबर पे, सबसे बड़े देश में सातवें नंबर पर जाना जाता है हमारा भारत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15.2 किलोमीटर और समुद्री तट से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के 7,516.6 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है इसका जो ये मैप में हमें बता रखा है, इसके 7 तो क्या है, इसके 7 जो देश है वो क्या है, सबसे बड़े देश है। तो सबसे बड़ा क्या है देश, रूस है, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो जो हमारा भारत है वो क्या है, विश्व में सातवें नंबर पर सबसे बड़ा देश है। मतलब जो हमारा भारत है वो कितने नंबर पर आ रहा है, सातवें नंबर पर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। अब उसके उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है, पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
हिंद महासागर की ओर इसका संकरा होता गया है। इसका दक्षिण भूभाग क्या है, बहुत ही चौड़ा है। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसके पश्चिम में क्या है स्थित है, अरब सागर है, और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब चित्र 1.3 में देखिए, 1.3 कहाँ है देखिए आप, ये रहा ठीक है। ये क्या है हमारा मैप है ठीक है, बार भारत विस्तार एवं मानक रेखा। इसमें क्या है विस्तार से बताई गई है, मानक जो रेखा है जो मानचित्र में जो रेखा है वो विस्तार से बताई गई है ठीक है, चित्र 1.3 में। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं, अर्धांश देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से क्या है कम प्रतीत होता है। जो इसका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से क्या होता है कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अब जो अरुणाचल प्रदेश से क्या होता है स्थानीय जो समय है उसका कितना घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं। अतः 82 डिग्री 30 डेज पूर्व देशांतर रेखा को भारत की याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। जो उसकी जो रेखा है वो उत्तर प्रदेश से कहाँ गुजरती है, मिर्ज़ापुर से गुजरती है। अर्धांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि पर पड़ता है। जो इसका प्रभाव है दक्षिण के वो कहाँ से पड़ता है, दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक, भारत तथा विश्व। अब इसमें क्या है भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जो भारतीय जो भूखंड है वो कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप और पूर्व और पश्चिम में क्या है स्थित है, उसके मध्य स्थित है बीच में। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, और जो भारत का जो भूभाग है वो एशिया के महाद्वीप का क्या है दक्षिण का विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलता है। अब ये कहाँ मिलता है, हिंद महासागर है जो कि क्या है यूरोपीय देशों में मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। और जो भारत है उसको क्या करता है, केंद्र की स्थिति प्रदान करता है। देखिए दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और दक्षिण जो दक्षिण का पठार है वो हिंद महासागर में कहाँ फैला हुआ, शीर्षवत में फैला हुआ है। और पश्चिम एशिया अफ्रीका के और यूरोप के देशों के साथ पूर्वी एशिया के देशों में भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश के तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, और जो हिंद महासागर है वहाँ पर क्या है किसी भी देश की जो तट वाली सीमा है वो भारत जैसी नहीं है, मतलब हमारे जो भारत में सीमा है वैसी सीमा कहीं पर भी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया, और भारत की जो ये स्थिति है जो महत्वपूर्ण स्थिति इसी के कारण क्या किया है महासागर का इसके ऊपर नाम रखा गया है ठीक है। यहाँ तक हमारा ख़त्म हो चुका है ये वाला पैराग्राफ ठीक है, इसके आगे से हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।